नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हरी मिर्च, लहसुन और अदरक के अचार की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी होता है और ये बनाने में भी बहुत ही इजी है। अचार बनाने के लिए आपने आधी किलो हरी मिर्च लेना है, इसको अच्छे से धोना है और इसका डंडल निकाल के आपने इसको बारीक बारीक काटना है। पाव भर लहसुन लेना है, इसका भी छिलका उतार के आपने इसको अच्छे से धो के आपने इसको बारीक काटना है। एक पाव अदरक लेना है, इसका छिलका उतार के इसको धो के आपने इसको भी बारीक काटना है, यानी कि आपने इन तीनों को बारीक बारीक काटना है। ये देखिए, इन तीनों को बारीक काट लिया है। ये देखिए, मिर्च है, मिर्च को भी बारीक काट लिया है, लहसुन है, लहसुन को भी बारीक काट लिया है और ये अदरक है, अदरक को भी बारीक काट लिया है। अब आपने इन तीनों को तेज धूप में 2 घंटे के लिए सुखाना है। ये देखिए, इन तीनों को धूप में सुखा लिया है। मिर्च, लहसुन, अदरक को मैंने 2 घंटे धूप में सुखा लिए हैं। अब इसका अचार बनाते हैं। अचार के लिए आपने आधी कटोरी सौंफ, मेथी, कलौंजी को हल्का सा भूनना है और ये जब ठंडा हो जाता है आपने इसको दरदरा सा मिक्सी ग्राइंडर में पीसना है। ये भुना हुआ 2 बड़ी चम्मच जीरा है, इसको भी भूनना है। जब ये ठंडा हो जाए इसको आपने ग्राइंड करना है। 1.5 बड़ी चम्मच हल्दी लेना है। 3 बड़ी चम्मच आपने ये पीली सरसों लेना है। ये देखिए, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास सरसों नहीं है तो आप काला सरसों भी डाल सकते हैं। 3 बड़ी चम्मच आपने लाल मिर्च पाउडर लेना है। 3 बड़ी चम्मच आपने आमचूर लेना है। नमक स्वाद अनुसार लेना है। छोटे गिलास का 1 गिलास आपने सरसों का तेल लेना है। सबसे पहले आपने इन साबुत मसालों को पीसना है। ये सौंफ, कलौंजी और मेथी को आपने दरदरा से पीसना है और ये भुना हुआ जीरा को भी आपने दरदरा से पीसना है। ये देखिए, इन दोनों साबुत मसालों को मैंने दरदरा से पीस लिया है। सबसे पहले आपने ये कोई सा भी एक बाउल लेना है, इसमें आपने ये हरी मिर्च डालना है, अदरक डालना है, लहसुन डालना है। इन सबको डालने के बाद आपने हल्दी डालना है, राई डालना है, यानी कि ये पीली सरसों है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, भुना और पीसा जीरा डालना है, या आपने ग्राइंड किया हुआ साबुत मसाला है इसको भी डालना है। इसके बाद नमक डालना है, फिर आमचूर डालना है। इन सब को डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है पहले। ये देखिए, इन सब को मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद आपने ये सरसों का तेल डालना है। आधी गिलास सरसों का तेल और डाल रही हूँ, यानी कि इसमें मैंने छोटी गिलास का 1.5 गिलास सरसों का तेल डाला है। तेल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद आपने इन सबको खूब अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए दोस्तों, इन सबको मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये अचार कांच के बर्तन में डालने के लिए तैयार हो गया है। अब इस अचार को आपने कांच के बर्तन में डाल के रखना है। ये देखिए, अचार को मैंने कांच के बर्तन में डाल दिया है और इसका ढक्कन बंद करके आपने इसको धूप में रखना है। और इस अचार को आप कम से कम 7 या 8 दिन से खाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस अचार को आपने ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, क्योंकि ये जल्दी बना के जल्दी खाने वाला अचार होता है। इसको आप कम से कम 2 महीने तक यूज कर सकते हैं। इस अचार को आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं, जल्दी बना के जल्दी खाने वाला अचार होता है। दोस्तों, आपको मेरा ये अचार बनाने का टिप्स कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।